ठीक है। ये मेथिलीन कोल बताए थे, जिंक और मेथिलीन कोल, ये आप क्या देखेंगे, डी हाइड्रोजनेटेड एलिमेंट है। यदि इसमें आपने क्या बताया गया था, दो क्या बताया गया है, जिंक मेथिलीन कोल या एन ए आई ए सी को। ध्यान रखना जिंक मेथिलीन कोल या एन ए आई एस कोल जब भी होगा तो ये हाइड्रोजन से मिलता है। अगर चार हाइड्रोजन है तो दो डबल बॉन्ड पाया जाएगा, दो ही के मामले में नहीं होता, ये दोनों में जुड़ता है एक बाई बॉन्ड आ जाता है, ये जिंक बन जाता है। ठीक है, अगला बारी ये जब भी इन पांचों में से कोई दिखेगा तो क्या निकलेगा, ये एक्स निकलेगा, क्या निकलेगा, ये एक्स यहाँ पर एन ए एन एच टू ही ले लेंगे।
क्या ले लेंगे तीन। ध्यान दो अनसेचुरेटेड कार्बन से ये दोनों ये सीएल नहीं निकाल पाएंगे, मतलब अगर यहां पर यही फिर से रिपीट मार दो तो नहीं निकलेगा, बस रहा ना। तो यानी एनएच टू क्या करना पड़ेगा ये भी अन यस हां। फिर अब यहां पर ध्यान दो ये अल्फा हो गया क्या हो गया बीटा, तो ये क्या हो जाएगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH ये CH। अच्छा ध्यान दो अगर ये ध्यान दो ये विस डाइल हो जाएगा, विस डाइल यहां पर यहाँ पर सीएच हो जाएगा, क्या हो जाएगा सीएच, और यहाँ से चिकल कैसे क्या हो गया सीएच टू सीएच सीएच सीएच, यहाँ से क्या होगा ये चिकल क्या है तो सीएच टू सीएच क्या होगा सीएच, यहाँ पर देखो ये यहाँ से सी एल और यहाँ क्या निकल जाएगा ये कैल्शियम कार्बाइड बाय हाइड्रोलिसिस आप CaC2। यहां पे एक क्वेश्चन पूछते हैं, एक तो CaC2 ये आयनिक कंपाउंड है, यहां पर ध्यान रखना एक पूछ जाएगा CA डबल प्लस C2 टू माइनस, यहां पर सिग्मा बॉन्ड टूट जाएंगे, पाई बॉन्ड एक हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन sp हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन sp हो जाएगा। हाइब्रिडाइजेशन sp कैसे होता है ये देखो, एक कार्बन है ना एक सिग्मा बॉन्ड और एक नेगेटिव चार्ज, सिग्मा बॉन्ड पर तो बॉन्ड पेयर नेगेटिव चार्ज का तो लोन पेयर, तो एक बॉन्ड पेयर हो गया और एक क्या हो गया लोन पेयर, तो दो हो गए दो पर तब एक केस हो गई। अब यहां पर रिएक्शन अगर लिखते हैं हम
तो ये सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच सी ए और बेसिक होगा पीएच ग्रेटर देन 7 ठीक है चलो तो ठीक है ये बस ऐसे पूछा जाता है कि या इलेक्ट्रिक आर्क कर सकते हैं नॉन इलेक्ट्रोलिसिस इलेक्ट्रिक आर्क कर रहा है सॉरी इलेक्ट्रिक आर्क ठीक है तो इलेक्ट्रिक आर्क डेवलप किया जाएगा ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड के बीच में और मतलब एटमॉस्फेयर होगा किसका हाइड्रोजन का तो जो कंपाउंड बनेगा क्या होगा बेटा एसिटिलीन क्या होगा एसिटिलीन चलो केमिकल रिएक्शन या सॉरी प्रॉपर्टी सी टू सी फोर गैस सी फाइव सी सेवन थर्टी लिक्विड सी फोर्टीन ऑनवर्ड साले तो ये हो जाएगा साले लिख लेगा एसिटिलीन इज एक्सोथर्मिक कंपाउंड एक्सोथर्मिक कंपाउंड हेंस एक्सप्लोसिव तो जो भी कंपाउंड एक खर्च होगा वो क्या होगा एक्सप्लोसिव होगा It represents the following reaction.
एडिशन आइसोमेराइजेशन reaction due to active hydrogen reaction due to active hydrogen reaction due to active hydrogen addition ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो सकता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो सकता है इन टू केस ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी यहां पर सी डबल बॉन्ड सी सी ट्रिपल बॉन्ड सी सी सिंगल बॉन्ड सी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन दोनों में से एक पूछा जाए तो आप इसको बताएंगे अगर कुछ ना कहा जाए कुछ ना कहा जाए इसके बारे में पूछा जाए केटी के आर्डर बताओ तो आप डबल बॉन्ड ज्यादा रिएक्ट करोगे क्योंकि ज्यादातर रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक देता है कुछ रिएक्शन ट्यूब केस कुछ ही केस में न्यूक्लियोफिलिक है तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन सिमिलर टू एल्कीन सिमिलर टू एल्कीन बट टू मोर वेलेंट सिमिलर टू एल्कीन बट टू मोर वेलेंट पार्शियल में देखो क्या पढ़े हो जब एल्कीन
प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर क्या लिखते हैं, हाइड्रोजन, यहाँ पर मैग्नीशियम, और साथ में क्या लिखते हैं, CH3CO2+PB RCaCO3। इसको क्या बोले थे, इलेक्ट्रोलार करेक्टरिस्टिक। यहाँ पर क्या हो रहा है, सिस हो जाएगा। इसको P2 करेक्टरिस्टिक बोलते हैं। यहाँ पर ये लिख चुके बहुत सारे रिएक्शन, यहाँ पर BH3 PHF और H+ लिखे थे, ये भी इसी से एल्कीन बनेगा। लिक्विड अमोनिया सोडियम, ये ट्रांस एल्कीन बनेगा, इसको ब्रिज रिएक्शन बोलते हैं। ये ट्रांस बनेगा, क्या बनेगा, ट्रांस। नोट करके एल्काइन इज रिड्यूस्ड बाय लिक्विड अमोनिया सोडियम। ओनली व्हेन ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन does not have hydrogen, triply bonded carbon does not have hydrogen. क्या हुआ, बाय लिक्विड अमोनिया सोडियम, ओनली व्हेन ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन does not have hydrogen, ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन does not have hydrogen. इसलिए बांधे कार्बन का नाम है हाइड्रोजन। चलें आगे। यहाँ पर जाऊँगा लिक्विड अमोनिया सोडियम, यहाँ पर क्या हो जाएगा, RCCl हाफ एच टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हाफ एच टू, ठीक है। ठीक है, तो ध्यान दो, यहाँ पर ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन पर अगर हाइड्रोजन होगा तो हाइड्रोजन सोडियम के द्वारा रिप्लेस हो जाएगा,
और हाइड्रोजन नहीं होगा तो ट्रांस रिडक्शन, ट्रांस क्या हो जाएगा चलो एडिशन ऑफ यहाँ पर जाने को डिटेक्ट करने में
ब्रोमीन लिक्विड और बेयर रेजिन का यूज होता है। एडिशन ऑफ एजेंट्स यहां पर एक जाएगी, ये रिएक्टिविटी होगा। यहां पर ध्यान रखना सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच, यहां पर जैसे एच सी एल ले रहे हैं तो एक साइड में क्या जुड़ा, देखो एक साइड में एच जुड़ा और दूसरे साइड में क्या जुड़ा सी एल, तो ये क्या हो गया प्लस माइनस हो गया। लेकिन अब तो ये एल्कीन हो गया ना, क्या हो गया एल्कीन, तो एल्कीन में क्या हो गया इसका यहाँ पर ये एच सी एल, तो ये अब तो ये अंत मतलब सिमेट्रिकल एल्कीन है ना, तो जहाँ पर एच ज्यादा है वहां पर एच मिल जाएगा, जहाँ पर कम है वहां पर क्या हो जाएगा सी एल, तो ये हो जाएगा। अच्छा अब मान लो यहाँ पर अगर आपसे ये बी आर का रिएक्शन करवा दिया जाए तो सेम वही क्या हो जाएगा मार्कोनिक ऑप्शन यहाँ पर एच बी आर यहाँ पर पेरोक्साइड ले लिया, क्या ले लिया पेरोक्साइड, तो यहाँ पर एंटी मार्कोनिक ऑफ हो जाएगा। यहाँ पर एच सी एल के साथ अगर पेरोक्साइड ले लें तो यहाँ पर पेरोक्साइड इफेक्ट आपको नहीं होता ना, तो जैसे था वैसे होता है। अगर केवल पेरोक्साइड ले लेंगे, केवल क्या ले लेंगे पेरोक्साइड जो पीवीसी बन जाएगा पॉलीविनाइल बन जाएगा, देखो इसको सकते हैं विनाइल क्लोराइड, पीवीसी का मतलब पॉलीविनाइल क्लोराइड, इसको कहते हैं इसको इसी का पॉलीमर बन जाएगा, ठीक है, तो पीवीसी शॉर्ट में पॉलीविनाइल क्लोराइड को क्या कहेंगे पीवीसी। अब इसको क्या एडिशन ऑफ एच टू सी एल, ये माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस, इधर आपका ये लिमिटेड वैल्यू है, क्या है लिमिटेड, तो यहां पर ध्यान देना ये देखो डबल बॉन्ड है इन और ओएच है आर इन आर है, तो ये यहां पर ये डबल बॉन्ड यहां से यहां पर आ जाएगा और ये यहां से यहां पर आ जाएगा कार्बन वैलेंस, तो ये क्या हो जाएगा सी एच थ्री सी ओ सी एच टू सी एल एल्फा ग्रुप एसीटोन एल्फा क्लोरो एसीटोन, ये माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस, माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहां पर ये मिल जाएगा यहां पर फिर
ये माइनस हो जाता है बस। यहाँ पर वाट नहीं लिया यहाँ से ओरेंज और यहाँ से न्यूक्लियोफाइल पहले जो न्यूक्लियोफाइल जो होगा वो इलेक्ट्रॉन रिच होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन की रिक्तता होती है। और ये पाई बांड में आपके कई पाई बांड है ना, तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन की रिक्तता है। तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ पर अटैक करेगा, न्यूक्लियस पर जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी, तो यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, यहाँ पर तो अटैक कर नहीं पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो फिर कैसे न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होगा, तो होगा क्या, यहाँ पर कुछ एजेंट लेते हैं, जैसे लुईस एसिड ले लें जो इस इलेक्ट्रॉन को खींच ले, प्रोटॉनिक एसिड ले लें जो इस इलेक्ट्रॉन को खींच ले, या फिर हैवी मेटेलिक आयन ले लें जो इस इलेक्ट्रॉन को खींच ले, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, तब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो लिख लेगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्काइन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्काइन अगर इन प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्काइन अगर इन प्रेजेंस ऑफ ये ध्यान दो,
ये विनाइल क्लोराइड, ये लगभग क्या है ना बीटा, बीटा प्रो विनाइल आर्सेनस क्लोराइड, बीटा प्रो विनाइल आर्सेनस क्लोराइड, बीटा प्रो विनाइल आर्सेनस क्लोराइड, इसको लुइसाइन कहते हैं। पॉइजनस पॉइजनस यू ने वन antidote is its antidote is BAL British anti user act, BAL British anti user act. तो तीन OH होते हैं मिश्रण होता है, दो OH की जगह पर क्या आ गया SH, तो उसको क्या करेंगे BAL एंटीडॉट का पर क्या प्रतिबिंब जो जहरीले पर वो क्या करें कम कर दे, तो इसका नाम क्या है ब्रिटिश एंटी लुइसाइड, पुराने वाला नाम है। आई बेसिक में भी कहिए यहां से नंबरिंग कर दो तो क्या हो जाएगा, क्या नंबरिंग करोगे क्या हो जाएगा, हो जाएगा 2,3-diol-1-propane, चलो सर आगे ठीक है पढ़ाते हैं आपको, फिर आगे हम पढ़ाएंगे।